चास का पराठा, चास की चाय, आए हाय आए हाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दिस इज़ मी मोहम्मद अलीशान कादरी जी। गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके भाई ने अंदरून की एक बेहतरीन सी फूड सीरीज स्टार्ट की है, तो आज उसी का एक बेहतरीन सा पार्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। नानचे ने हलवा पूड़ियाँ काफ़ी ट्राई कर ली थी, तो आज मैं ना अपना फेवरेट नाश्ता करने के लिए आया हूँ, मतलब भाई चाय पराठा साथ में अंडा भी। तो बड़ी बेहतरीन सी शॉप है, इसका कोई नेम नहीं है, तो एड्रेस अभी भाई आपको बता देंगे, मुझे कंफर्म पता नहीं है एड्रेस का ना। तो आपको यहाँ से चाय पराठा अंडा साथ में स्लाइस मतलब ब्रेड वगैरह हर चीज़ मिल जाती है, तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, रिव्यू भी देते हैं, तो लेट्स गो। ये रास्ता जनाब लोहारी गेट से आ रहा है, ठीक है, और ये जी शॉप है आप देख सकते हैं, कोई नेम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये आप चेक करें अंदरून की सुबह सुबह की वाइब्स, ज़बरदस्त यार। और वो भाई पराठे बना रहे हैं, यहाँ पर चाय बन रही है, आपको दिखाते हैं, ये देखें जी ये पराठे रेडी हो रहे हैं। और ये है जी बाउल जिसके अंदर अंडा ये बनाते हैं, क्या बात, सिर्फ नमक और मिर्च यूज़ करते हैं और कुछ भी नहीं। और ये जनाब ये भाई आए हैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए, कैसे हैं आप? अच्छा आईफोन दिखा रहे हो अपना। और यहाँ पे जी चाय तैयार हो रही है, ये भाई चाय तैयार कर रहे हैं। और ये जनाब इनका सिटिंग वगैरह का सीन है, बड़ा ऑथेंटिक सा और बड़ा तारीखी सा सीन है, तो अभी ट्राई करते हैं इंशाल्लाह ताला और आपको रिव्यू भी देते हैं। ये जी पराठा तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, क्या आप आटे का ही है, आटे का ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो, अच्छा सूफी घी, क्या बात है, हर बंदा ही ऐसे कहता है। अच्छा चले मान लेते हैं, आप भी मान लेते हैं भाई जान, सारे लोकल ही करते हैं। पराठा कितने का है? 50 रुपए का, सिर्फ 50 रुपए का, सही। और चाय कितने की है? आप जी अंडा आ गया बाउल के अंदर, ये आप देख सकते हैं जी, जी दो हैं, क्या बात है जी, घंटा लगाया जा रहा है, क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या स्टाइल है बॉस का, स्टाइल ही बड़ा यूनिक है यार, क्या बात है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। पराठा आ गया, अंडा आ गया, चार आ गया, तो आप इसको ट्राई करते हैं, बड़ा मतलब ना ऑथेंटिक सा टिपिकल सा नाश्ता है, जो कि आप घरों में भी करते हैं, तो जो लोग यहाँ पे मतलब आउट ऑफ सिटी से यहाँ पे आए हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अभी ट्राई करते हैं इसमें ऐसा ख़ास क्या है, और वो आप इंशाल्लाह ताला बताएंगे। लें जनाब ये दिखाएँ ज़रा, ये पराठा आप चेक करें, आटे का है पराठा, ये आप देखें कैसे मतलब तय है, मतलब बनी है इसकी, बोलों वाला पराठा है। ये चार ले लेते हैं पहले, अचार के साथ खाते हैं। जब ये कान में दवाई डालना छोड़ गया कि रोज़ा टूट जाता है, तो ये मतलब यार घर का जैसा पराठा होता है वैसे सात चार है। जब ये कान में दवाई नहीं डालता है कि वो गलत हो जाती, वहाँ से वो लड़ने टूट जाता है, तो ये अंडा आ गया जी, ये गलत क्यों किसी की तो जब ये अंधेरे में बंद कमरे में ठंडा पानी पड़ा हुआ है, असल गेम का पता चलेगा चाय के साथ, और अंडा पत्ता से वरना अंडा हर जगह से मिलता है, हाथ में खराब ना हो जाए, आप पराठा ट्राई करेंगे चाय के साथ, जान इसको नसीब हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, वरना क्या किसको क्या कवर करना है, दो गिलास पानी पी जाए मैं प्यार से बोल रहा हूँ, तो जब वो अल्लाह को इज्जत अपने ध्यान में ले आता है कि अल्लाह देख रहा है, पानी पी रहा है, ट्राई करते हैं, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की इज्जत पर बुरी नजर नहीं डालूंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, अल्लाह भाई सुबह अल्लाह बुराई नहीं करूंगा, चाय लेवल है यार, जब ये बाजार में मतलब प्रॉपर जो होती है ना कड़क चाय वो है, लेकिन जनाब आपने दूधपति बनवाई है, चाय 50 की है, दूधपति 60 रुपए की है, 10 रुपए के अंदर आपको दूधपति मिलेगी यहाँ से। तो जी जनाब जिस तरह आपने देखा कि आज हमने ट्राई किया जी इनका बेहतरीन सा मतलब चाय पराठा और साथ में अंडा था, अगर बात की जाए पराठे और अंडे की यार कोई इतना ख़ास उसमें था ही नहीं, आपको पता जिस तरह घर से आप लोग खाते हैं घर में जिस तरह बनता है सेम वैसा ही सीन था, कुछ बहुत ख़ास नहीं था उसके अंदर,
तो लेकिन जो लोग लाहौर से नहीं हैं, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं रहती, उनके लिए बेहतरीन मतलब ये सीन है, चास का पराठा, चास की चाय, चास का पराठा आपको मिल रहा है और चास की चाय मिल रही है, तो अच्छा सीन है यार, ज़बरदस्त है। तो चाय इनकी ज़बरदस्त थी, मुझे चाय अच्छी लगी है, उसको मैं रेट करूँगा यार 8.5 out of 10, अच्छी चाय थी। तो वो बोल रहे थे कि दूध पत्ती है, लेकिन वो दूध पत्ती नहीं थी, थी वो चाय ही, लेकिन अच्छी थी। लेकिन भाई का एटीट्यूड जो है ना, वो बड़ा अजीब सा था, मतलब भाई हम आए वीडियो करने के लिए, पैसे दे के खाना है, तो इस तरह का मतलब सीन ही होना चाहिए कि आपको वेलकम करना चाहिए कि आप ही वीडियो करने के लिए हैं। लेकिन पता नहीं कैसे लोग हैं, अंदरून से बड़ा प्यार मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब इस तरह का बिहेव मतलब करते हैं, और मतलब अजीब एटीट्यूड होता है इनका। अभी तो अल्लाह पाक ने रखा ही उतना है कि भाई बस आप लोग समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, मुझे भी। तो खैर ये था महाराज का व्लॉग, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक पीस आउट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।